हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप मेरे सामने ये थूजा का प्लांट देख रहे हैं और आज मैं इसकी कटिंग लगाने जा रही हूं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बताती हूं कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। तो मैं इसकी कटिंग लगाने जा रही हूँ, कैसे लगाना है, कैसे आप लोगों को एक प्लांट से दो प्लांट बनाने हैं वो मैं बताऊँगी। और ये देखिए, मैंने अभी इसको कुछ ही दिन पहले नर्सरी से लिया था, छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ इसी की कटिंग लगाना आप लोगों को बताती हूँ और फिर जो है मैं आप लोगों को इसकी केयर भी बताऊँगी। अभी मेरा प्लांट बहुत छोटा है, अभी मैंने इसको गमले में भी शिफ्ट नहीं किया है। यहाँ पर मौसम बहुत बारिश वाला है तो मैं आज इसी की कटिंग लगाने जा रही हूँ, तो आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे लगाना है। ये मैंने कटिंग निकाल लिया है, देख सकते हैं आप लोग, मोटी डंडी की निकाल लिया है, इसी को मैं लगाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे उसको लगाना है, कैसे मिट्टी तैयार करना है इसकी। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आज मैंने जो है ये थूजा प्लांट की कटिंग निकाली है। ये मैंने मॉर्निंग में निकाला था। सबसे पहले क्या करना है, इनको काट के और पानी के अंदर आपको डाल के रख देना है कुछ घंटों के लिए। देखिए, मैंने इसको पानी में डाल के रख दिया था, तो अब मैं लगाने के लिए इनके बिल्कुल तैयार हूँ। तो इनको मैं लगाऊंगी और ये मैंने काटा है अभी, इसको भी मैं लगाऊंगी। मैं हमेशा बताती हूँ कि कटिंग लगाने के लिए कभी भी आप सिंगल कटिंग मत लगाइए, क्योंकि जो है कटिंग लगाने के लिए कम से कम एक या दो ले लीजिए कटिंग, तब उसकी कटिंग लगाइए। क्योंकि कटिंग है, चले ना चले पता नहीं, एक लगा दीजिए फिर ना चले, फिर आपको अफसोस हो कि जो है मैंने एक ही कटिंग लगाई। तो इस तरह से कटिंग आप काट लेंगे और इसको अलग अलग करेंगे। देखिए, नीचे की पत्तियां हटा देना है, फिर इसको हम लगाना बताएंगे आप लोगों को। इस तरह से बिल्कुल कर लेना है। और सबसे पहले इनको मैंने काटा था और देखिए इसमें मैंने डाल दिया था। ये दोस्तों क्रोटोन की कटिंग है, बारिश का समय है इसलिए मैं इनको भी लगाने जा रही हूँ। और इनको सुबह मैंने काटा था तो पानी में छोड़ दिया था, देखिए पानी में पड़ी हुई हैं, इसी में मैंने डाल दिया था। तो इसको मैं जब तक पानी में डाल देती हूँ, ऐसे ही कोई भी कटिंग लगाइए, कटिंग काट के तुरंत पानी में पहले छोड़िए। ये मैंने सुबह छोड़ दिया था पानी में। और इनके लिए जो मैंने पॉट लिया है, ये छोटे छोटे पॉट है मेरे पास, इसमें मैं लगाऊंगी, क्योंकि इसमें मिट्टी मैंने पहले से ही बना के रख लिया था। इसमें मिट्टी में मैंने जो है कुछ नहीं है ज़्यादा, बालू मिट्टी है थोड़ा सा, राइस घस के और अपने गार्डन की मिट्टी है। आप लोगों को कटिंग लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी पॉट लें उसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छे से देख लें कि उसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा है कि नहीं, और फिर उसमें कटिंग लगाएँ। तो इसमें मिट्टी में मैंने बताया, ये पहले से मिट्टी मेरी बनी रखी है, इसमें मैंने कटिंग लगाया था। तो प्लांट को मैंने गमले में शिफ्ट किया था, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। एरेंथमम का प्लांट था, लगा था इसमें, तो मैंने लगाया था। तो इसी में मैं लगाऊंगी। तो मैंने ये काट के पहले पानी में छोड़ दिया था, तो सबसे पहले मैं इनकी नीचे की पत्तियां ये हटा दूंगी, ये काट दूंगी इसकी, इसको काट देना है। अभी मैं काटती हूँ। इस तरह से काट देना है, नीचे की सारी पत्तियां काट देना है, इस तरह से हटा देना है। ये देखिए, इतनी आप लोगों को रखना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये डंडी हमारी कुछ ज़्यादा लंबी है, इसमें दो कटिंग हम बनाएंगे। तो इसको पहले किनारे कर देते हैं, इसको मैं दो कर देती हूँ, इस तरह से दो कर देती हूँ। और इसकी भी नीचे की पत्तियाँ हटा देना है। तो दोस्तों, ये मैंने सारे नीचे की पत्तियाँ सबकी हटा लिया है। अब इनको मैं हल्का सा पानी में डालूँगी, ऐसे देखिए, इस तरह से मग्घे में पानी ले ले, इसको डाल दे ऐसे ही। और ये पॉट मैंने लिया है, अब इसमें मिट्टी मैंने बताया आप लोगों को क्या क्या मिलाना है। अगर कुछ नहीं है तो सिंपल मिट्टी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं पानी डालूंगी, इसमें पहले पानी डाल दूंगी इस तरह से, ताकि ये मिट्टी थोड़ा सा सेट हो जाए हमारी। और फिर इसमें जो है ये कटिंग मैं ऐसे डाल दूंगी। ये रूटीन हारमोन्स पाउडर है दोस्तों, इसको मैं जो है
इसी में करके लगाऊंगी इसको। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो है जैसे इस तरह से ये कटिंग निकालना है और रूटीन हार्मोन पाउडर पे ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा डिप करके ऐसे इसको लगा देना है इस तरह से मिट्टी में, इस तरह से लगा देना है। दोस्तों बारिश का समय चल रहा है, इस समय तो डेली बारिश हो रही है, तो काफ़ी अच्छी जो है कटिंग कोई भी प्लांट की आप लगाइए, सभी प्लांटों की कटिंग बहुत अच्छी चलेगी और बहुत अच्छी लगेगी भी। तो इस तरह से रूटीन हार्मोन्स पाउडर को इस्तेमाल करके आप लोग लगा सकते हैं। दो कटिंग मैं इसमें लगाऊंगी इस वाले पॉट में, और चार कटिंग मैंने उसमें लगाई इस तरह से। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से मिट्टी में दबाते रहना है, बस इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। तो थूजा प्लांट की जो कटिंग है बहुत ईजिली ग्रोथ करती है, और ये 20 से भी बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, 20 से जो है काफ़ी अच्छी जो है लग जाती है। इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि ये कटिंग हमारी सेट हो जाए। अभी मैं इसका प्लांट कुछ ही दिन पहले दोस्तों ख़रीद के लाई हूँ, इसलिए उस पर कोई वीडियो मेरा अभी तक नहीं है, और मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगी। पहले मैंने सोचा थोड़ा सा उसकी प्रूनिंग कर दूं, एक दो कटिंग निकाल लूं जो मैं लगा सकती हूँ लगा दूं इसमें, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगी उसकी केयर कैसे करी जाती है और कैसे उसको जो है लगाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं इसकी कटिंग। ये प्लांट दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर प्लांट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने कटिंग लगा दिया है, और अब मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी और इसमें मैं दे दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो हल्का सा इसमें पानी मैं छोड़ दूंगी, ये देखिए, और देखिए ड्रेनिंग सिस्टम कितना अच्छा है, नीचे से पानी इसका निकलने लगा है। तो इसी तरह आप लोग जो है थूजा प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। एक बात मैं ये भी बता दूं दोस्तों, इसको मोर पंखुड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं थोड़ा उसी आकार की होती हैं, तो इसको मोर पंखुड़ी का प्लांट भी बोलते हैं बहुत लोग। और इसे घर में लगाना दोस्तों बहुत शुभ माना जाता है, इसको लगाना चाहिए घर में। तो दोस्तों आगे वीडियो में मैं इसका जो है केयर बताऊंगी, अभी मेरे पास ये प्लांट नहीं था तो मैंने इसकी केयर नहीं बताई है। अभी 2-3 दिन हुए हैं इसको मैं नर्सरी से लाई हूँ, तो आज मैंने उसका हल्का सा प्रूनिंग किया, तो उसी की कटिंग मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे लगाना है। तो हालांकि मुझे इस प्लांट के बारे में केयर के बारे में पता है, इसलिए मैंने इसकी जो है कटिंग लगाना आप लोगों को बताया है। आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए और इसकी मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए जब तक इसमें रूट्स ना निकल आएँ, क्योंकि इसकी मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, तभी ये प्लांट हमारा अच्छी ग्रोथ करेगा। और बहुत इजी टू ग्रोथ करता है ये, कटिंग से भी और बीज से भी, वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताती रहूँगी इसके बारे में। तो जब भी कटिंग लगाएं इसकी या बीज लगाएं, तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है। और ये फुल सनलाइट का प्लांट नहीं है, इनडायरेक्ट सनलाइट का प्लांट है इसका। इसको जितना आप इनडायरेक्ट सनलाइट देंगे उतना ही ये अच्छी ग्रोथ करेगा, उतना ही ज़्यादा ये इसकी पत्तियों का जो कलर है वो भी बहुत ग्रीन आएगा। और इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग अगर होगी तो इसकी जो पत्तियाँ हैं ये थोड़ा सा ब्राउन होने लगती हैं। तो अगर ये पत्तियों की ये जो कोने ऊपर जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, अगर ये ब्राउन हो रहा है आपके प्लांट में, तो आप समझ जाइए या तो उसको ओवर वाटरिंग मिल रही है, या तो बहुत ज़्यादा हीट वाली उसको गर्मी मिल रही है, सनलाइट मिल रही है। इसलिए हम लोगों को ये प्लांट ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सूरज की ब्राइट लाइट आती हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग जो है इसको कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी मैंने बताया आप लोगों को, इसकी मिट्टी में आप एक भाग जो है थोड़ा सा जैसे कटिंग लगाना है आपको, तो हम ये मिट्टी जो हमारी बनी रखी थी, मैंने कटिंग के लिए बहुत सारी मिट्टी पहले से ही बना के रख लिया था, तो एक भाग उसमें मैंने मिट्टी अपने गार्डन की सॉइल ले लिया था, और एक भाग उसमें मैंने थोड़ा सा राइस खस मिला लिया,
और एक भाग उसमें मैंने क्या किया था, थोड़ा सा जो है बालू मिट्टी मिला लिया था। इन्हीं तीन चार चीज़ों को मिला के मैंने कटिंग लगाया है। तो आप लोग इसी तरह कटिंग लगा सकते हैं दोस्तों। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। पानी जब भी डालिए तब पानी तुरंत उसका जो है ड्रेनिंग होल से बाहर निकल जाना चाहिए। मिट्टी हमको ऐसे तैयार करनी है। पॉट, इसको छोटा सा ही पॉट लीजिए, कटिंग के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। जब भी इसमें रूट्स निकलेंगी वो भी अपडेट मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो थूजा प्लांट की कटिंग दोस्तों इसी तरह आप लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। इसको घर में लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है, जैसे कि तुलसी का पौधा या फिर मनी प्लांट का पौधा। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको भी घर में ज़रूर लगाइए, चाहे छोटा सा ही प्लांट लाइए लेकिन ज़रूर अपने घर में रखिए। इसको घर के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है दोस्तों। और इसको जो है मेन गेट के पास लगाइए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए आप लोग ये प्लांट लगाइए। एक छोटा सा प्लांट जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, जहाँ से मैं कटिंग लाई हूँ इसकी, तो वो मुझे 50 रुपीज़ का मिला था दोस्तों। हमारी तरफ नर्सरी में 50 रुपीज़ का आसानी से मिल जाता है। बाकी जितना बड़ा भी प्लांट लीजिए, जिस हाइट का लीजिए, उसी प्राइस पर आपको जो है मिल जाता है। ना ज़्यादा महंगा होता है ना ज़्यादा सस्ता होता है, ये है 50-60 रुपीज़ का मिल जाता है आराम से नर्सरी में। और काफ़ी प्यारा प्लांट लगता है। शुरुआत में जब मैंने गार्डनिंग शुरू किया था तब मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो 2-3 प्लांट मुझसे ख़राब हो गए थे क्योंकि इसके बारे में ही मुझे नहीं पता था। तो मैं अब फिर लाई हूँ इसको लगाने के लिए, तो मैंने अभी रिपोर्टिंग नहीं किया, जैसे लाई हूँ वैसे रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा बना हुआ है तो इस समय उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ। उस मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं ज़रूर जो है उसकी रिपोर्टिंग करूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी अभी बारिश हुई है पूरी, ये देखिए ज़मीन गीली है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो है इसी तरह आप लोग कटिंग लगाइए थूजा प्लांट की। इसको जो है मोर पंखुड़ी का प्लांट भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसको मैं पानी डाल के ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। हालांकि बारिश का मौसम है, इसको आप बारिश के मौसम में बाहर ही रख सकते हैं ताकि इसमें बारिश का पानी पड़े तो इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो आप लोग इसी तरह थूजा प्लांट मोर पंखुड़ी की कटिंग लगा सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।